हाय, गुड आफ्टरनून. गौरव देसर फ्रॉम इंडिया. मैं फ्लाईवे ओवरसीज़ के थ्रू दुबई आया था और यहाँ पे मेरी जॉब लग गई है. अभी मैं वर्कशॉप में एज अ सर्विस एडवाइज़र काम कर रहा हूँ. तो थैंक यू सो मच फ्लाईवे ओवरसीज़. हेलो, गुड इवनिंग. कैसे हैं यार आप सब? आई होप बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे. और थैंक यू जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और लगातार कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के. और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आपको रिलेटेड स्टडी वीज़ा, वर्क परमिट, टूरिस्ट वीज़ा और किसी भी बारे में, PR हो गया या PNP प्रोग्राम्स क्या हैं या वर्क या कनाडा कैसे मूव हो सकते हैं, आप विद फैमिली कैसे मूव हो सकते हैं, तो आप नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना. आज का टॉपिक आता है दुबई. कई लोगों में ये रहता है कि यार दुबई में जाके जॉब नहीं लगती, दुबई में स्कैम हो जाता है और दुबई में मतलब रहने की बहुत दिक्कत है. ये सारी बातें जहाँ तक है ठीक है, ठीक है, लेकिन इट्स टोटली डिपेंड कि आपके वहाँ पे सोर्सेज कैसे हैं, आपके रिलायबल सोर्सेज हैं या नहीं है. जो आप पहले एक ही वीडियो देखो, ठीक. कई गुड लोगों आफ्टरनून एवरीवन. में मैं गौरव फ्रॉम इंडिया. मैंने विजिट टू एम्प्लॉयमेंट अप्लाई किया था फ्लाईवे इमिग्रेशन के थ्रू, और मैं अभी दुबई आ चुका हूँ फ्लाईवे ओवरसीज इमिग्रेशन से के थ्रू. और मैं यहाँ पे सब कुछ मेरा ठीक है, यहाँ पे रहना भी ठीक है और खाना भी ठीक है. और नेक्स्ट वीक मेरे इंटरव्यूज अलाइन है. आई होप मैं बहुत जल्दी सेलेक्ट हो जाऊँगा. सो आई जस्ट गिव थैंक्स टू फ्लाईवे ओवरसीज इमिग्रेशन. थैंक यू सो मच. इसका नाम गौरव है और ये ऑलरेडी दुबई में है और ये फ्रेशर था इंडिया में. ही वॉज अर्निंग 25,000 और अभी करंट में इसकी सैलरी 60,000 है प्लस अकोमोडेशन है. ओके, और ये अपना मैकेनिक लाइन में गया है, सर्विस एडवाइजर. इंडिया में भी सर्विस एडवाइजर था, वहां पे भी सर्विस एडवाइजर ही है. कई लोग बोलते हैं कि इंडिया का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता. हाँ, इंडिया का एक्सपीरियंस काउंट कम होता है, बट अगर आपकी नॉलेज है उस चीज को लेके तो आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल काउंट होगा. अब आपको जैसे ऑटोकैड की नॉलेज है तो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा. अब आप वहां जाके कुछ करोगे ही नहीं तो यार कैसे काम चलेगा, पहली बात. दूसरी पॉइंट ये आ जाता है आपका कि अगर सपोज करो कि आपके पास में कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक, और आपको काम भी नहीं आता तो आपकी जॉब लगना बहुत टफ रह जाता है. फिर वो लेबर कैटेगरी आ जाती है, बंदे यहाँ से झूठ बोल के चले जाते हैं. और पहले तो एक बार ये वीडियो देख लो आप. हाय, गुड आफ्टरनून. गौरव देसर फ्रॉम इंडिया. मैं फ्लाईवे ओवरसीज़ के थ्रू दुबई आया था और यहाँ पे मेरी जॉब लग गई है. अभी मैं वर्कशॉप में एज अ सर्विस एडवाइज़र काम कर रहा हूँ. तो थैंक यू सो मच फ्लाईवे ओवरसीज़. क्या है, जो ये लड़का है इसका नाम गौरव है और ये गया था विजिट वीजा पे. कई लोग बोलते हैं विजिट वीजा पे काम नहीं होता, हम लोग धक्के खा के आ गए, रोड पे सो गए, पार्क में सो गए. तो यार एटलीस्ट कम से कम अपने साथ में, मुझे नहीं पता कि कितने ट्रस्टेड एजेंट होते हैं, या वहां पे तो यार सारी नेशनलिटी है, वहां पे पाकिस्तानी भी है, बांग्लादेशी भी है, श्रीलंकन भी है, नेपाली भी है. वहां पे तो दुबई तो यार सारी नेशनैलिटी को वेलकम करता ही है. तो ये नहीं बताना कि आप किसके थ्रू जा रहे हो या कौन से स्कैम में फंस रहे हो. बहुत सारी चीजें चलती हैं, ठीक है, बट मेक श्योर करके जाओ कि जो बंदा आपको भेज रहा है वो ठीक बंदा हो, ठीक है, और मतलब जो काम उसने बोला है वो आपको काम मिलना चाहिए, ठीक है. और अगर आप किसी भी लाइन में जाते हो तो उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए. कई लोग तो आजकल ये भी देखा गया है कि एम्प्लॉयमेंट पे वीजा देने के बाद भी, जैसे इलेक्ट्रीशियन का हुआ, ब्लू कॉलर से वीजा जो है वो इजीली मिल जाते हैं, इलेक्ट्रीशियन हुआ, प्लम्बर हुआ, मैसन हुआ, उन सब के मतलब रिटर्न होने के बाद भी उनको इलेक्ट्रीशियन का काम नहीं आता, या मतलब अकाउंटेंट को भी रिटर्न होने के बाद अकाउंटेंट के काम नहीं आता. तो यार इस चीज को आप थोड़ा सा चेक कर लो. तो ऐसा मत करो क्योंकि यार देखो आप लोगों के पैसे लगते हैं, तो वो चीज ना फिर बाद में जाके आप ही को प्रॉब्लम क्रिएट होती है. तो इस चीज के लिए अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आपको दुबई के रिगार्डिंग, ठीक है, कुछ भी, जैसे दुबई हो गया, पूरा गल्फ हो गया, कुवैत, कतर, बहरीन, ठीक है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लो. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.